So I was telling you about magnets, properties of magnet. We had done types of magnet, we had done, and Oersted experiment. Oersted, Hans Christian Oersted, was the first person who gave the evidence for magnetic effect of current. ठीक है, और उसके बाद स्नो रूल से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और एक और रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल, उससे भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसकी, मैग्नेटिक फील्ड भी, राइट? तो कौन सा रूल है वो? स्नो रूल. इफ करंट फ्लोज इन अ वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीडल इज डिफ्लेक्टेड ओवर वेस्ट. ओके, फाइन, राइट. आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट शायद नहीं की थी हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, दिस इज आवर रिवीजन दैट वी आर डूइंग. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. अ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इफ वी अटैच अ थ्रेड and suspend a magnet freely, it will stay in north-south direction. अगर आप किसी pen को suspend करोगे, वो ऐसे से घूमता रहेगा. But अगर आप magnet को suspend करोगे, तो ये एक horizontal direction में almost point करेगा under the effect of Earth's magnetic field. ठीक है? Earth के magnetic effect के under ये horizontal direction में stay करेगा, right? Poles of a magnet are always having equal and opposite polarity, but strength is same. Equality of poles. A magnet always has two poles of equal pole strength. Isolated magnetic monopoles do not exist. अगर हम एक मैग्नेट को ब्रेक भी कर दें डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स होंगे. ठीक है, हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जो पार्ट हमने ब्रेक किया है उसका एक ही पोल होगा. नेवर पॉसिबल. इफ वी आर हैविंग अ मैग्नेट, इट विल ऑलवेज हैव टू पोल्स, राइट? तो उसके दो पोल्स जरूर होंगे. नेक्स्ट इज magnetic length is smaller than geometrical length of a magnet. क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो नियर होते हैं, एंड्स पे नहीं होते, बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते. वो नियर होते हैं बट बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते. सो दैट्स वाई अगर ये आपके मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ज्योमेट्रिकली मैग्नेट इतना लॉन्ग है, पर उसके जो पोल्स के बीच में लेंथ है, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ. तो मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ. ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ. इट इज ऑलवेज अबाउट 6/7 टाइम्स. तो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. और कोई प्रॉपर्टी मैग्नेट की? यस, एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स? फिर आते हैं हम मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर. ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जो हमने बी से डिनोट किया था जिसको, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. जैसे अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, उसके अराउंड आप बहुत दूर अगर आप एक मैग्नेट रखते हो तो कुछ भी नहीं होता. थोड़ा पास लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होना शुरू हो जाता है, वो पोल अट्रैक्ट या रिपेल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. दैट स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड.
ठीक है, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब जो क्वांटिटी उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। It's a physical quantity that indicates the strength of magnetic field at a point. ठीक है? अब magnetic lines की four properties की थी हमने। ये एक magnetic line है, ठीक है? At any point, tangent gives the direction of magnetic field intensity. यही इसकी definition थी, एक और definition थी कि अगर हम एक बार magnet के around एक compass needle move करें तो जहां जहां उसका नॉर्थ पोल जाएगा उस पाथ को भी हम मैग्नेटिक लाइन कहते हैं। तो बार मैग्नेट के अराउंड इस तरह से हमने लाइंस बनाई थी, याद है आपको? ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती है उसकी फोर प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक लाइंस की फोर प्रॉपर्टीज है लाइंस की। एक तो ये दे डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। जैसे आप देख रहे हो पोल्स के पास ज्यादा क्राउडिंग होती है, तो इसका मतलब पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू नियर द एंड एंड सेंटर। सेंटर के पास हार्डली कोई मैग्नेटिक लाइन है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। ठीक है, सो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट the strength of magnetic field in that region. ये होगी इसकी second property. Then third is magnetic lines can never intersect each other. Magnetic lines can never intersect each other. Otherwise, if they intersect, what will happen? Two tangents can be drawn at the point of intersection. Two tangents can be drawn that give two directions of magnetic field intensity at a point which is not possible. ठीक है, ये possible ही नहीं है। So no two magnetic lines can ever intersect each other. Fourth property है कि they form closed loops. Magnetic lines can form closed loops. Why? Because they can pass through body of the magnet also. मैग्नेटिक लाइन्स कैन फॉर्म क्लोज लूप्स बिकॉज दे कैन पास थ्रू बॉडी ऑफ द मैग्नेट एज वेल। मैग्नेट की बॉडी में से भी पास कर सकती हूँ। ये फोर प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक लाइन्स की। ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाए थे, साथ साथ फॉर्मूले भी लिखे थे, तो एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। हु विल टेल मी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एसआई सीजीएल दोनों? Who will tell me the unit of magnetic field intensity? Yes. Tell me the unit of magnetic field intensity. Raise hand. Yes, Navya. SI unit is Tesla and CGS unit is Gauss. Very good. SI unit is Tesla, CGS unit is Gauss, and 1 Tesla is 10 raised to power 4 Gauss. This is the relationship. चलिए अब हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ये बार मैग्नेट। तो बना लिया हमने सोलिनॉइड, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर, तीन केस हमने लिए थे। स्ट्रेट वायर, मैक्सवेल राइट हैंड थम रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था? म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। सो इफ योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज हियर एट अ डिस्टेंस आर एंड आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द सेंस ऑफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द direction of magnetic lines of force.
सेकेंड पैटर्न था सर्कुलर वायर कैरिंग करंट. ठीक है, सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, राइट? ये हमने सेंटर, तो दोनों साइड पे वही मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे. तो सेंटर पे सारे एड अप हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाती है. सो बी इज म्यू नॉट आई ओवर टू आर. बस ये पाई नहीं आएगा, म्यू नॉट आई ओवर टू आर आ जाएगा. एंड इफ द कॉइल इज हैविंग एन टर्न्स आल्सो, सो मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ टर्न्स. मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गए. ऑलराइट. और थर्ड पैटर्न था हमारा सोलिनॉइड कैरिंग करंट, जहां से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है. ये दिस एंड विल बिहेव लाइक साउथ, दिस एंड विल बिहेव लाइक नॉर्थ, और जो पैटर्न है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बनेगा. सो आई टोल्ड यू द वे ऑफ ड्रॉइंग इट. ड्रॉ सिक्स लाइंस, बार मैग्नेट में भी ऐसे किया था. ड्रॉ सिक्स लाइंस और ये टू टू लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए कर्व्स में, और ये वाली लाइंस को बाहर. दिस इज द वे. और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, नॉर्थ से बाहर साउथ से अंदर. ठीक है, इन साइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो दिस इज द डायरेक्शन. सोलिनॉइड कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ड्यू टू अ बार मैग्नेट एग्जैक्टली. और इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स. स्मॉल एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई इज अमाउंट ऑफ करंट. सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, वेयर वी कैन मेक द सोलिनॉइड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ठीक है, उससे हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते. तो ये तीनों पैटर्न्स देख लो, तीनों फॉर्मूले देख लो. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कम अप. तो फिर उसके बाद लॉरेंट्स फोर्स था, मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स. देयर वर टू एक्सप्रेशंस, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. ठीक है, दो एक्सप्रेशंस थे मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स के. Given a charge is moving through a region of magnetic field, it experiences a force given by QVB sine theta. And when there is a current carrying conductor placed in a magnetic field, then the force acting is Bill sine theta. It is Bill sine theta. All right. क्लियर है ये सारे एक्सप्रेशन. उसके फर्दर हमने केसेस किए थे, थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा. ये थीटा 90 डिग्री पे मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स मैक्सिमम एक्ट करता है, और 0 डिग्री 180 डिग्री पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता. तो ऐसे लगता है कि वो चार्ज पार्टिकल एज सच ही जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड ही जा रहा है. ठीक है, और मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स की डायरेक्शन कौन सा रूल देता है? यस, रेज हैंड. विच रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स? Name that rule. Yes, 10th D. Raise hand if you know the answer. We have done all this and your copy is also checked of this magnetic effects. Kaun batayega? Sare answer Navya jayegi. Anyone else? Chalo Navya, aap bolo. Ma'am, left hand rule. Fleming's left hand rule. Yes, Fleming's left hand rule. So let us state that stretch first three fingers of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular.
a forefinger gives the direction of magnetic field. Okay, current gives central finger gives the direction of current, then thumb gives the direction of magnetic Lorentz force. ठीक है, तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है. ओके, इज अ टेंपरेरी मैग्नेट. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, लेट अस सी इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट रेस्ट्स अलोंग एनएस डायरेक्शन ऑफ अर्थ. दिस इज इंडिकेटिंग साउथ पोल, दिस इज इंडिकेटिंग नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ. नॉर्थ पोल इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ वाइट डॉट ऑन द मैग्नेट. We can also verify the poles with the help of a compass needle. If I bring this white dot near this compass needle, you can see the white part of the needle, which is indicating south pole, gets attracted towards it. And when I bring closer the other pole, south pole, then north pole, the red portion of the magnetic compass needle is attracting towards it. Second property is that the poles of a magnet are having equal and opposite strength. Let us bring this magnet close to pins. You can see most of the pins, they are clinging to the poles, and hardly there is any pin near the center of the bar magnet, indicating the absence of magnetic field there. So the strength of magnetism is maximum near the poles of a magnet. Very interesting property of magnets, that like poles repel each other and unlike poles attract each other. So you can see this car moving under the attraction of north and south poles. But if I reverse it, the car is moving due to repulsion. Repulsion, we can also have an idea with the help of this floating ring system. So that you can better see if I place it this way. And you can also notice that there is different distance between the magnets. Distance between the magnets is directly proportional to weight of magnets above it. Suppose I have this long magnet, and if I break it into two parts, we will have two independent magnets separately having a set of north and south poles. This is north pole of this magnet and south pole of this magnet. Automatically, north will be generated on the broken part and south on the other side. This shows that magnetic monopoles do not exist. Poles of a magnet always exist in pairs. This is an electromagnet that I have made by winding an insulated copper wire over an iron rod. And when I pass current through it, it will get magnetized and it will start behaving like a magnet. And see, it has attracted the pins. So it is behaving like a magnet. One end is behaving like north pole, another end behaves like a south pole. If I reverse the direction of current, then the poles will also get reversed. And one more important point regarding this is that if I stop moving the current, then it will stop behaving like a magnet. There are two, three ways of plotting magnetic lines of force due to a bar magnet. I have taken a pen drive case, and inside it I have put iron powder. So see, when I keep a bar magnet over it and gently tap it, the magnetic lines are visible. You can see the magnetic lines, they are directing from north to south, and near the poles the iron powder, that is sticking more, indicating more strength at the poles. First of all, we will place the magnetic compass needle on a white sheet and plot the NS line of Earth. See, red line, red pointer, that is indicating the north of Earth. So I'm tilting this sheet till the needle becomes horizontal. Now I can mark NS line of Earth. This is north and this is south. After plotting NS line, we are not supposed to move the paper from this place. And now we keep a bar magnet here. And I'll draw the outline. In case it is misplaced, I can keep it here again. Now see, according to the definition, magnetic line of force is a path along which isolated magnetic north pole of a magnet would move if it is free to do so in the vicinity of a magnet. So I am going to plot
on moving it, and wherever the needle moves, I'll go on marking the points. North pole. Joining these points, I'll get a magnetic line of force. So like I have got a magnetic line of force. Suppose I move it here in this region. You can see the needle is pointing outwards. Now the needle is not forming a curve. It is pointing outwards. Same way here also. You can see the needle going away outwards. So I can mark the points like this. And on completing the pattern, you will get something like this. This is the complete pattern when you will proceed in the same way. Here I have kept the magnet in tangent B position. Tangent B means south pole of magnet is pointing towards north of Earth and north pole of magnet is pointing towards south pole of Earth. So in between the same lines, the same shape of lines we are getting as I just showed with the help of a pen drive case. And outwards as we were just plotting. And very interesting fact, if I show you the needle moving along the equatorial line of this magnet, there is a point when the needle becomes vertical. Otherwise you see it was horizontal, now it revolves arbitrarily. So this is the neutral point. Same way here also, we are getting the neutral point. See, the needle rotates here. This is neutral point. And after that, the field of Earth starts on both sides. So neutral points are those points where magnetic field due to a bar magnet is cancelled by magnetic field due to the Earth. If we keep the magnet in the opposite manner, north towards the north of Earth and south towards the south of Earth, magnet will be said to be placed in tangent A position. And now the neutral points will be found along the axial line of magnet. So that means when we rotate the position of magnet by 180 degree, the neutral points, they shift by 90. There is one more way of plotting the magnetic lines of force.